Hello everyone, what's up? Welcome back to my क्लैश विद अवेज, जहां मैं आपको सिखाता हूं क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में। यो सो गाइज, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही औसम स्ट्रेटजी TH11 के लिए। मैंने खुद बनाई है गिबोविज, जैसे आपको पता होगा। उसमें जो है बॉलर्स की जगह मैं यूज़ करने वाला हूँ सुपर आर्चर्स। सुपर आर्चर इवेंट कंप्लीट करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी है। इजीली आप सुपर आर्चर इवेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और जो है सुपर आर्चर TH11 पे अनलॉक हो जाता है। लेवल 8 का आर्चर चाहिए होता है उसके लिए, और मेरा आर्चर लेवल 8 हो चुका है, इसीलिए सुपर आर्चर अनलॉक है। चलिए फिर देख लेते हैं आज की अटैक देखेंगे हम। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और बहुत सारे ऑसम वीडियोस आने वाले, तो स्टे ट्यून फॉर दोस वीडियो। चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बढ़ते। देख लीजिए आज की आर्मी। आज मैं यूज़ करने वाला हूँ 7 सुपर आर्चर्स, 6 जायंट्स, 5 हीलर्स, 6 विचेस और 1 विजर्ड। स्पेल्स में मैंने लिए 7 लाइटनिंग, 1 अर्थक्वेक, 1 फ्रीज और 1 जंप स्पेल। 7 अर्थक्वेक, 7 लाइटनिंग और 1 अर्थक्वेक से हमें ईगल आर्टिलरी डिस्ट्रॉय करना है। इस अटैक में ईगल आर्टिलरी क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? क्योंकि ईगल आर्टिलरी सुपर आर्चर्स को टारगेट कर सकते हैं, तो वो ईजीली डाउन हो सकते हैं, इसीलिए ईगल आर्टिलरी डाउन करेंगे हम। और सीसी में मैंने लिया है 7 हॉग राइडर्स। स्पेल में रेज लेना है, अभी मिला नहीं है मुझे, और सीज बैरेक्स लेना है। और हीरोज आप देख सकते हैं तीनों लाइव है। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के अटैक की तरफ। लेट्स रोल ऑन फॉर द अटैक। लाइव अटैक करके दिखाऊंगा मैं। ये तो एक टाउन हॉल 12 बेस मिला था, उस पर नहीं कर सकते। ये देखिए, ये एक है मैक्स बेस, सिर्फ वॉल्स बाकी है। देख सकते हैं आप, क्वीन भी मैक्स है। तो देखिए मैं जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए इन्फर्नो भी साथ में है ईगल आर्टिलरी के, और इन्फर्नो, एक्सबो और आर्चर क्वीन तीनों को ले जाऊंगा मैं एक साथ। देखिए 5 लाइटनिंग्स एक लगातार डाल दूंगा, जिससे आर्चर क्वीन भी डाउन हो जाएगी। देखिए 5 लाइटनिंग्स डाल दिए थे, आर्चर क्वीन डाउन, इन्फर्नो डाउन, एक्सबो डाउन। व्हाट एन ऑसम वैल्यू। ईगल आर्टिलरी भी देखिए हो चुकी है डाउन, और यहाँ दूसरे इन्फर्नो को भी डैमेज मिल चुका है। तो हम डाल देंगे सारे जायंट्स, उनके पीछे विचेस, उनके पीछे सुपर आर्चर और सारे हीलर्स, हीरोज एंड सीज बैरेक्स। इस आर्मी को आप 2 तरह से अटैक कर सकते हैं। पहला तो ये अभी जो मैं कर रहा हूँ वो, दूसरे में क्वीन वॉक करना होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो आपको अच्छा लगे आप वो अटैक कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने जंप डाल दिया, जिससे कि ट्रूप्स अंदर जा सके। याद रखिएगा जंप स्टार्टिंग में ही डाल दीजिए, जिससे कि ट्रूप्स अंदर चले जाए। अगर ट्रूप ज़रा सा भी भटक गए तो आपका अटैक पूरा फेल हो सकता है। ट्रूप चारों तरफ एक चक्कर लगा लेंगे, जिससे कि आपका अटैक फेल हो जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में जंप यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इस स्ट्रेटजी के लिए। और ये देखिए सीट बैरक्स में से हमारे हॉग राइडर्स निकल चुके हैं। देख सकते हैं आप, सुपर आर्चर और आर्चर क्वीन साथ में अब आ चुके हैं। वहाँ पे हॉग राइडर्स सेंटर में है, पेका एंड हॉग राइडर्स, और एक दूसरे कॉर्नर में भी है सुपर आर्चर एंड हॉग राइडर। देख सकते हैं आप कितना इजीली आपको दिख रहा होगा अटैक 3 स्टार की तरफ बढ़ रहा है। हीलर्स देखिए हर जगह, जिसको भी हील चाहिए हीलर्स हील दे रहे। 1 हीलर पेका के पास है, 1 हीलर आर्चर क्वीन के पास है, और 1 हीलर सुपर आर्चर के पास है। देख सकते हैं आप इजीली हमारे ट्रूप्स को हील मिल रहा है, जिससे कि वो लाइव है अभी भी। बहुत सारे सुपर आर्चर्स देख सकते हैं आप, आर्चर उनके साथ कितने सारे दिख रहे हैं। यहाँ पर सेंटर में देखिए विचेस एंड वार्डन, टेका भी हमारा अभी तक लाइव है। देख सकते हैं आप इजीली अटैक 3 स्टार होने वाला है। बचा है सिर्फ एक आर्चर टावर, और हमारे देखिए इतने सारे स्केलेटन निकले। देखिए जूम आउट। व्हाट एन ऑसम अटैक गाइस। इजीली हमने अटैक कर लिया है 3 स्टार टाउन हॉल 11 मैक्स बेस के ऊपर। चलिए फिर बढ़ते एक और लाइव अटैक की तरफ। ये देख रहा आपने, एक सिंपल अटैक था, सारे ट्रूप्स एक के बाद एक छोड़ दिए। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट अटैक। देखिए ये बेस मिला है, आर्चर क्वीन मैक्स है, बार्बियन किंग बाकी है और वार्डन भी बाकी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसके एक्सपोज और इन्फर्नोस बहुत दूर है, इसीलिए हम उन्हें लेने की ट्राई नहीं करेंगे। मेन हमारा मोटिव है ईगल आर्टिलरी को डाउन करना 7 लाइटनिंग और 1 अर्थक्वेक से। तो ईगल आर्टिलरी डाउन हो चुकी है। अब हम चालू कर देंगे हमारा क्वीन वॉक। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था 2 तरह से अटैक कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया सारे टॉप्स एक के बाद एक छोड़ देने, और ये सेकंड मेथड। पहले हम क्वीन वॉक से थोड़ा बेस क्लियर करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद सारे टॉप्स डाल देंगे। यहाँ पर देखिए क्वीन के 8 पाउंड डाइन हो रहे थे तो मैंने रेस डाल दिया है। अब जैसे ये बेस क्लियर हो गया साइड का तो हम डाल देंगे सारे जायंट्स, उनके पीछे सुपर आर्चर, उनके पीछे विचीज़, सीट बैरेक्स, बार्बियन किंग, आर्चर क्वीन, और तुरंत ही डाल देना है जंप स्पेल। देख सकते हैं आप सीधे सारे ट्रूप्स अंदर जा रहे हैं। जंप डालना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं डाला तो ट्रूप्स दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। और ये इन्फर्नो का डैमेज बढ़ रहा है, सो अब मैं यूज़ कर लूँगा थोड़ी देर में वार्डन एबिलिटी, देखते ज़रूर पड़ेगी या नहीं। अभी नहीं यूज़ करते वार्डन एबिलिटी क्योंकि आगे एक और इन्फर्नो है, वो इन्फर्नो आएगा तब हम यूज़ कर लेंगे वार्डन एबिलिटी। देख सकते हैं आप सीज बैरक्स में से हॉग राइडर्स निकल चुके। अब वो इन्फर्नो बहुत डैमेज देने वाला था इसीलिए वार्डन एबिलिटी यूज कर लिया, और तब तक उसे सुपर आर्चर्स ने डाउन कर दिया। यो, और एक साइड पे आप देख सकते हैं पेक्का और बार्बियन किंग है हीलर्स के साथ, और बाहर है सुपर आर्चर और विजार्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन, वार्डन, हॉग राइडर्स, सुपर आर्चर एंड विचेस। देख सकते हैं अब ये अटैक भी इजीली 3 स्टार हो जाएगा। क्वीन की एबिलिटी बाकी है। यहाँ पर हॉग राइडर्स एक्सपो की तरफ बढ़ चुके हैं, एक्सपो हो चुका है डाउन। अब बचा है सिर्फ एक एक्सपो और एक हिडन टेस्ला। सो इजीली अटैक भी हमारा 3 स्टार हो जाएगा। देख सकते हैं पेक्का हमारा अभी बचा हुआ है, सुपर आर्चर्स मैक्सिमम दिख रहे हैं, विचीज, स्केलेटन। यहाँ पर तीनों हीरोज लाइव है देखिए, और सब फुल हेल्थ पे, ऑल बिकॉज ऑफ हीलर्स। देख सकते हैं आप कितना औसम अटैक है, इजीली कोई भी बेस पर हम 3 स्टार कर पा रहे हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको जो दोनों में से जो मेथड अच्छी लगी है उसे ट्राई करिएगा, इजीली आपको 3 स्टार मिल जाएगा। तो पूरे वीडियो को देखिए, और अटैक्स में आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको भी पता चल जाएगा स्ट्रेटजी अच्छे से कैसे यूज़ करनी है कोई भी बेस पर। चलिए अब ये बेस मिला है, हम इस पर करेंगे एक और लाइव अटैक। यहाँ पर देखिए ईगल आर्टिलरी के पास फिर से आर्चर क्वीन है, लेकिन वो बहुत दूर है इसीलिए हम उसे नहीं डाउन करेंगे, पर एक्सबो और इन्फर्नो दोनों डाउन करेंगे। देखिए देख सकते हैं आप इन्फर्नो हो चुका है डाउन, अब ये एक्सबो भी डाउन और ये ईगल आर्टिलरी भी डाउन, और क्वीन को भी हम डैमेज दे चुके हैं हाफ। तो अब हम चालू कर देंगे हमारा क्वीन वॉक दूसरे कॉर्नर से। ध्यान रखिएगा पहले क्वीन को थोड़ी देर काम करने दीजिए उसका, और फिर आपको पता चल जाए कि क्वीन इसी डायरेक्शन में मूव करने वाली है, तो उसी डायरेक्शन में आप हमारे सारे जायंट्स छोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्वीन की डायरेक्शन का कोई भी वो नहीं होता है कि वो किस तरफ जाएगी, कहीं भी मुड़ सकती है। देखिए अब ये कंफर्म हो गया कि वो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ही जाने वाली है। सो अब हम डाल देंगे सारे जायंट्स। उनके पीछे विचेस, उनके पीछे सुपर आर्चर, और फिर सीट बैरक्स और बार्बियन किंग और वार्डन। और देख सकते हैं आप तुरंत ही जंप डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर बहुत सारे डिफेंसेस थे तो मैंने फ्रीज यूज़ कर लिया है। रेज बचा हुआ है तो उसे डाल देंगे जिससे कि ट्रूप्स फास्टली एक्ट कर सके। और यहाँ पर मैंने वार्डन एबिलिटी यूज़ कर लिया है, ट्रूप्स को प्रोटेक्ट कर लिया है, और अब जो है वो मल्टी इन्फर्नो डाउन कर देंगे। मल्टी इन्फर्नो हो चुका है डाउन, और हमारे सीट बैरक्स में से निकल चुके हैं हॉग राइडर्स। रेज हमारा अभी बचा हुआ है, और दूसरी कॉर्नर पे आप देख सकते हैं आर्चर क्वीन फुल हेल्थ के साथ लाइव है थैंक्स टू हीलर्स। सो अब हम यूज़ कर लेंगे हमारा बचा हुआ रेज। देख सकते हैं आप कितना फास्ट अटैक कर रहे हैं ट्रूप्स, और आप देख सकते हैं बहुत सारे विजर्ड्स दिख रहे होंगे, सारे सीज बैरक्स से निकले हुए विजार्ड बचे हुए, उनके पीछे सुपर आर्चर, पेका, बार्बरियन किंग, हॉग राइडर्स सब के सब बचे हुए हैं विथ फुल हेल्थ। और इजीली ये अटैक भी एक हो गया है हमारा 3 स्टार थैंक्स टू दिस ऑसम स्ट्रेटजी, ऑसम अटैक गाइस। चलिए फिर देखते हैं और एक अटैक। आर्मी हो चुके हैं रेडी, लेट्स रोल आउट फॉर द अटैक। देखिए ये बेस मिला है, ये भी एक मैक्स बेस है, सिर्फ थोड़े से वॉल्स बचे हुए देख सकते हैं आप। आर्चर क्वीन मैक्स है और वो ईगल आर्टिलरी के पास ही है, तो इसमें भी पहले हम आर्चर क्वीन को डाउन करेंगे। देखिए एग्जैक्टली पहुंच चुके हैं वो ईगल आर्टिलरी के पास, तो डाल दिए मैंने 5 लाइटनिंग। और ये आर्चर क्वीन हो चुकी है डाउन, और सारे लाइटनिंग और अर्थक्वेक यूज़ करने से ईगल आर्टिलरी भी हो चुकी है डाउन। सो अब हम चालू कर देंगे हमारा क्वीन वॉक, क्वीन विथ हीलर्स। जैसे ही थोड़ा सा वे क्लियर हो जाए तो हम डाल देंगे सारे जायंट्स, विचीज, सुपर आर्चर, सीड बैरेक्स, बार्बरियन किंग, आर्चर क्वीन, और तुरंत ही डाल देना है हमारा जंप स्पेल। देख सकते हैं आप सारे ट्रूप्स अंदर जा रहे हैं, इसीलिए पहले ही जंप स्पेल यूज़ करिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे डिफेंसेस थे तो मैंने यूज़ कर लिया रेज एंड फ्रीज, फिर थोड़ी देर बाद यूज़ कर लेंगे वार्डन एबिलिटी। तब तक सारे ट्रूप जो है इजीली फास्ट काम करके इन्फर्नो को डाउन कर देंगे। देख सकते हैं आप आर्चर क्वीन हमारी फुल हेल्थ पे, और अब सीट बैक में से निकल चुके हैं हॉग राइडर्स। यहाँ पर देखिए आप मैक्सिमम ट्रूप्स दिख रहे होंगे, आर्चर क्वीन है, जायंट, सुपर आर्चर, वार्डन, बार्बरियन किंग, और दूसरी तरफ पे हॉग राइडर और विजार्ड्स। कितना इजीली ये अटैक हम सारा बेस क्लियर कर पा रहे हैं, ये अटैक की वजह से बहुत इजीली देख सकते हैं आप। और सुपर आर्चर की एबिलिटी देखिए, 2-3 बिल्डिंग को वो डैमेज दे देते हैं पीछे से ही, और इसीलिए उनका टैंक हमने यूज़ किया है जायंट्स, जिससे कि पीछे सुपर आर्चर सारे सेफ रहे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ बचे 2 डिफेंसेस, डबल कैनन और आर्चर टावर। और ये डबल कैनन हो चुका है डाउन, और अब इसीलिए एक आर्चर देखिए सुपर आर्चर, आर्चर टावर को भी डैमेज मिल रहा था दूर से ही, और अब वो भी हो चुका है डाउन। सो इजीली ये अटैक भी हमारा हो चुका है एक 3 स्टार वंडरफुल अटैक, सुपर आर्चर आर्मी फॉर टाउन हॉल 11। गिबोविच की जगह यूज़ की है मैंने। चलिए फिर बढ़ते हैं एक और अटैक की तरफ। देखिए ये बेस मिला है, एक मैक्स बेस हो चुका है, सिर्फ थोड़े वॉल्स बचे हुए, और अब मुझे लगता है ये जा रहा है टाउन हॉल 12 पे, देख सकते हैं आप। चलिए फिर हम करते हैं अटैक। यहाँ पर इन्फर्नो जो है वो साथ में ही है, सो जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, उससे भी डैमेज मिल रहा है। देखिए इन्फर्नो भी हो चुका है डाउन, और अब वो ये आर्मी में थोड़ा गड़बड़ हो गया, देख सकते हैं आप। एक अर्थक्वेक मिसिंग है, उसकी जगह पॉइजन आ गया है गलती से, तो ईगल आर्टिलरी डाउन नहीं हो पाएगा। देख के चल भी फिर भी देखते ये अटैक 3 स्टार हो पाता है या नहीं, क्या लगता है आपको। देखिए एक ओवर पावर्ड आर्मी है, तो लेट्स होप कि हमें 3 स्टार मिल जाए। रेज यूज़ कर लिया, वार्डन एबिलिटी भी ऑलरेडी यूज़ कर ली, और यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वीन वॉक नहीं किया मैंने, जो पहले फर्स्ट अटैक में बताया था कि सारे ट्रूप्स एक के बाद एक छोड़ देने, वो यूज़ किया है। और ये सीज बैरक्स में से निकल चुके हैं हॉग राइडर्स। अब बचा है एक इन्फर्नो टावर, एक हो चुका है डाउन ऑलरेडी। क्या ये अटैक हो पाएगा 3 स्टार, क्योंकि एक स्पेल में गड़बड़ हो गई जिससे कि ईगल आर्टिलरी स्टार्टिंग में डाउन नहीं हो पाया। लेट्स होप, मुझे लगता है कि ये हो जाएगा आराम से एक 3 स्टार अटैक, क्योंकि ये एक ओवर पावर्ड आर्मी है। देखिए आर्चर भी हमारी फुल हेल्थ पे है, वार्डन भी फुल हेल्थ पे, साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा बहुत सारे विजर्ड्स बाहर है, सुपर आर्चर अंदर भी है, सुपर आर्चर एंड विचीज। सो इजीली अटैक भी हो सकता है 3 स्टार। अब बचा है सिर्फ एक इन्फर्नो टावर, आर्चर टावर है पर वो अपग्रेड पे है। सो इजीली ये अटैक हो गया एक 3 स्टार। ऑसम। एक स्पेल गड़बड़ हो गया था, फिर भी अटैक हमने 3 स्टार कर दिया है गाइस। व्हाट एन ओवरपावर्ड आर्मी। चलिए फिर नेक्स्ट आर्मी हो चुके हैं रेडी। मैं जाऊंगा एक और लाइव अटैक पर। लेट्स रोल फॉर द अटैक। देखिए ये बेस मिला है, ऑलमोस्ट मैक्स होने वाला है, सिर्फ हीरोज बचे हैं देख सकते हैं। और वॉल्स यहाँ पर देखिए ईगल आर्टिलरी के पास एक्सबो है, आर्चर क्वीन है, जैसे आर्चर क्वीन आ जाए ईगल आर्टिलरी के पास तो हम 5 लाइटनिंग डाल देंगे जिससे कि एक्सबो भी डाउन हो जाए। देखिए 5 लाइटनिंग डाल दिए मैंने और बाकी के 2 विजर्ड टावर की तरफ, और ये अब एक्सपो भी हो जाएगा डाउन। विजर्ड टावर सिर्फ थोड़ा सा बच गया है। फिर हम चालू कर देंगे हमारा क्वीन वॉक। जैसे थोड़ी बिल्डिंग्स क्लियर हो जाए दूसरी कॉर्नर पे हम डाल देंगे जायंट्स, उनके पीछे विचेस और उनके पीछे सुपर आर्चर। यहाँ पर देखिए एक कॉर्नर पे विजर्ड डाला था मैंने ताकि क्वीन उस दिशा में नहीं मुड़े, तो पक्का है कि क्वीन राइट साइड में जाएगी। तो मैंने साले जायंट्स, विचेस, सुपर आर्चर, सीज बैरक्स, बार्बियन किंग, वार्डन डाल दिया है और तुरंत ही डाल देना है जंप स्पेल। देख सकते हैं आप मैक्सिमम ट्रूप जो है वो अंदर जा रहे हैं, सिर्फ हमारा बार्बियन किंग और 2 सुपर आर्चर जो है वो बाहर जा रहे हैं, बाकी सब अंदर है। वार्डन एबिलिटी यूज़ कर लिया मैंने और यहाँ पे इन्फर्नो का डैमेज बहुत बढ़ रहा था तो इसीलिए डाल दिया है फ्रीज, और अब ट्रूप्स फास्ट अटैक करें इसीलिए डाल दिया है मैंने रेज। ध्यान रखिएगा अगर क्वीन के 8 पॉइंट्स पहले डाउन हो जाए क्वीन वॉक के टाइम पर तो आप क्वीन पर रेज यूज़ कीजिए, अगर ऐसा ना हो तो आप बाद में ट्रूप्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो फास्ट एक्शन कर सके। यहाँ पर देख सकते हैं हॉग राइडर्स आ चुके हैं सीट बैक्स में से, और जो है वो सुपर आर्चर और क्वीन उन्होंने मिलकर इन्फर्नो को डाउन कर दिया है। तो देख सकते हैं आप क्वीन और वार्डन दोनों फुल हेल्थ पे, सुपर आर्चर भी फुल हेल्थ पे, उनके साथ है हॉग राइडर्स, विचेस, विजार्ड्स और स्केलेटन्स भी बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको। सो ये अटैक भी एक इजीली 3 स्टार अटैक दिख रहा है, परफेक्ट 3 स्टार मिल रही है स्ट्रेटजी से। सो अगर आपका सुपर आर्चर अनलॉक हो चुका है और अगर आपको इसे यूज़ करना है तो ये है एक बढ़िया आर्मी उसे यूज़ करने के लिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी आर्मी, क्या आपको 3 स्टार मिले या नहीं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इजीली आपको 3 स्टार दे जाएगी ये आर्मी। और ये आप देख सकते हैं इजीली एक 3 स्टार अटैक हो चुका है यहाँ पर, और एक परफेक्ट 3 स्टार अटैक थैंक्स टू दिस ऑसम आर्मी। वंडरफुल अटैक गाइस। चलिए फिर अब हम बढ़ेंगे एक और अटैक की तरफ। आर्मी हो चुकी है रेडी, सीसी भी मिल चुकी है। लेट्स रोल ऑन फॉर अनदर अटैक विद द सेम आर्मी। सुपर आर्चर्स रॉक ऑन। यहाँ पर भी देखिए ईगल आर्टिलरी के साथ आर्चर भी ने, जैसे ही वो पहुँच जाए पोजीशन पर तो हम डाल देंगे 5 लाइटनिंग्स जिससे कि वो डाउन हो जाए। देखिए डाउन हो चुकी है आर्चर क्वीन। फिर अब बाकी के 2 लाइटनिंग्स दूसरी डायरेक्शन में डाल देंगे मल्टी मोर्टार की तरफ। मल्टी मोर्टार भी डाउन और उसके साथ एयर डिफेंस भी डाउन। तो अब हम चालू कर देंगे हमारा क्वीन वॉक। देखिए यहाँ पर क्वीन के 8 पॉइंट्स डाउन हो रहे थे इसीलिए मैंने पहले ही रेज यूज़ कर लिया है। अगर 8 पॉइंट्स इतने डाउन नहीं होते तो रेज नहीं यूज़ करता मैं, जैसे कि लास्ट अटैक में आपको बताया था। तो अब देखिए फनल हो चुका है क्रिएट, तो डाल दूंगा सारे जायंट्स, विचेस, उनके पीछे सुपर आर्चर, सीज बैरक्स, बार्बियन किंग एंड वार्डन, और तुरंत ही जंप स्पेल डाल देना है जिससे कि सारे ट्रूप्स अंदर जाए। और यहाँ पर सीसी में से निकले 3 बलून और 1 ड्रैगन, तो मैंने उन पर फ्रीज डाल दिया है जिससे कि ट्रूप्स को थोड़ा टाइम मिल जाए। और अब थोड़ी देर में वार्डन एबिलिटी यूज़ कर लेंगे ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टी इन्फर्नो और सीसी ट्रूप से। देखिए तब तक सीसी ट्रूप डाउन हो चुके हैं, अब डाउन करना है मल्टी इन्फर्नो को, तो उसके लिए हमारे सुपर आर्चर एंड विचेस उन्होंने डाउन कर दिया है। और यहाँ पर सीट बैरक्स में से निकल चुके हैं हॉग राइडर्स। अब बचा है 1 मल्टी इन्फर्नो। और ये टाउन हॉल हो चुका है डाउन। सेंटर में आप देख सकते हैं क्वीन के साथ वार्डन है और सुपर आर्चर भी बहुत सारे और हीलर्स उनको हील देते हुए, जिससे कि वो सब फुल हेल्थ पे है। और यहाँ पर दूसरी कॉर्नर में देखिए बार्बेरियन किंग है, पेका है, वो दोनों भी फुल हेल्थ पे और साथ ही साथ उनके सुपर आर्चर और विचिस। What an awesome strategy guys, इजीली कोई भी मैक्स बेस पर मैं देखिए 3 स्टार कर पा रहा हूँ आपके सामने, तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इजीली आपको 3 स्टार दे जाएगी। वॉर में भी आर्मी बहुत इजीली आपको 3 स्टार दे सकती है। याद रखिएगा, आपको अगर क्वीन वॉक करना है तो क्वीन वॉक कीजिए या तो सारे ट्रूप्स एक साथ छोड़ दीजिए। और हीलर जो है वो अपने आप जिस ट्रूप को हील देना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसे हील देंगे। देख सकते हैं आप सारे सुपर आर्चर्स फुल हेल्थ पे, वार्डन भी हमारा फुल हेल्थ पे है क्योंकि उनके बीच है हीलर्स। और ये एक और अटैक हमारा इजीली हो चुका है 3 स्टार थैंक्स टू दिस ऑसम आर्मी। लेट अस रोल ऑन फॉर अनदर अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी। आर्मी हो चुके हैं रेडी, सारे हीरोज भी है रेडी, सीसी भी है रेडी। तो चलिए बढ़ते एक और अटैक की तरफ यूजिंग द सेम आर्मी ऑफ सुपर आर्चर्स। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ये भी बेस मैक्स होने वाला है। हम लोग क्वीन का वेट कर रहे हैं ताकि वो पोजीशन पर आ जाए। और 5 लाइटनिंग के साथ क्वीन भी हो जाएगी डाउन। देखिए क्वीन हो चुकी है डाउन। यहाँ पर अगर हम इन्फर्नो और क्वीन में से एक को लेना था, इसलिए मैंने क्वीन को लिया है। इन्फर्नो को देखिए थोड़ा सा डैमेज मिल गया है। तो चलिए फिर हम चालू कर देंगे हमारा क्वीन वॉक, क्वीन विथ 5 हीलर्स। और दूसरी साइड एक विज़ार्ड डाल दिया है क्लियर करने के लिए ताकि क्वीन उस तरफ नहीं बढ़े। तो देखिए अब क्वीन बढ़ चुकी है लेफ्ट साइड में, ये कंफर्म हो गया है। तो अब डाल दिए मैंने सारे जायंट्स, उनके पीछे विचेस और उनके पीछे सुपर आर्चर, स्विच बैरेक्स, बार्बेरियन किंग और वार्डन। और फिर तुरंत ही डाल देना है जंप स्पैल, जिससे कि सारे ट्रूप्स अंदर जाए। और यहाँ पे मैंने वार्डन एबिलिटी यूज़ कर ली है ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और रेस डाल दिया है। और अब सीट बैरक्स में से निकल चुके हैं हॉग राइडर्स, हमारे सारे ट्रूप्स सेंटर में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर मैंने फ्रीज भी यूज़ कर लिया है, बार्बेरियन किंग की एबिलिटी यूज़ कर ली। देख सकते हैं आप हॉग राइडर्स पेका के साथ आ चुके हैं। What an awesome आर्मी गाइस, देख सकते हैं आप कोई भी बेस पर इजीली हमें 3 स्टार मिल रहा है थैंक्स टू दिस ऑसम आर्मी। ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये आर्मी। देख सकते हैं और एक अटैक 3 स्टार हो रहा है। क्वीन वार्डन दोनों हमेशा की तरह फुल हेल्थ पे है, विजर्ड्स भी बहुत सारे बचे हुए हैं। सो इजीली ये अटैक भी हमारा हो गया एक परफेक्ट 3 स्टार। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।